गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अभी अभी मैंने मेकअप किया था और मुझे उसे रिमूव करना था, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आपको देखना है, तो फाइनली मैंने आज सोच लिया कि मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वाला मेकअप लुक मैंने राखी मेकअप लुक किया था और थोड़ा सा मैंने इयर रिंग्स वगैरह जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी वो निकाल दी। और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर मैसेलर वाटर, तो ये मैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ और इससे बहुत ही अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। कोई भी मेकअप हो, वाटरप्रूफ मेकअप हो या कोई भी मेकअप हो, इससे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। ये मैं जब मेकअप किया होता है हेवी मेकअप तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वादी हर्बल का क्लिंजिंग मिल्क। तो सबसे पहले मैं अभी ये मेकअप रिमूव कर लूँगी, उसके बाद मैं क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करूँगी। तो क्लिंजिंग मिल्क भी आज यूज़ करूंगी बट ये मेकअप रिमूव करने के बाद। वैसे अगर मेकअप नहीं किया होता है तो मैं सिर्फ क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। बट हेवी मेकअप जब होता है तभी मैं ये मैसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वादी हर्बल का क्लिंजिंग मिल्क, तो थोड़ा सा हाथों पे लेके इससे आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। कुछ इस तरह से थोड़ी देर मसाज करनी है, अपने आप जो डर्ट होती है वो निकल जाती है इससे और बहुत अच्छा से क्लीन हो जाता है आपका फेस। तो अभी मैं फेस वॉश करने वाली हूँ, तो फेस वॉश करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश। को तो पता ही है मुझे ये कितना ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा फेवरेट है ये। इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है आपकी और सारे स्किन टाइप वालों को ये सूट करता है, तो इसी वजह से मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फेस वॉश। तो इस तरह से बस इसे लगा लूंगी और बस इसके बाद फेस वॉश कर लूंगी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से क्लीन हो गया है फेस और बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है अब मुझे। तो इसके बाद मैं यूज करती हूँ ये गुड वाइब्स का लिप स्क्रब। तो लिप स्क्रब बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम लोग दिन भर लिपस्टिक वगैरह लगा के रखते हैं, तो उसके बाद फिर हमारी जो लिप्स की स्किन है बहुत ज्यादा डेड हो जाती है, तो इसी वजह से वो डेड स्किन निकालने के लिए लिप स्क्रब यूज करना होता है। तो इसीलिए मैं ये गुड वाइब्स का लिप स्क्रब यूज करती हूँ, इससे ना आपकी लिप्स की डेड स्किन भी निकल जाती है। लिप्स बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुके हैं तो आपको ये यूज करना ही चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले लिप्स को इस तरह से स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद इसको रिमूव करके लिप बाम यूज करती हूँ। लिप बाम भी मैं गुड वाइब्स की ही यूज करती हूँ और वो भी लेमन की ही। तो ये वाली लिप बाम मैं अपने लिप पे अप्लाई कर लेती हूँ रात को, और सोने के टाइम लिप बाम जरूर अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आपके लिप्स फट सकते हैं या ड्राई हो सकते हैं। इसीलिए लिप बाम लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इससे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इसमें लेमन है तो इसी वजह से आपके लिप्स की टैनिंग भी इससे हट जाती है। उसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ अपने फेस के लिए। बस टोनर इस तरह से स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद इसके ड्राई होने के बाद मैं एक सीरम यूज़ करती हूँ, वो सीरम भी मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ। तो ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ, गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम। और अगर मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो गई है तो मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ, वो भी ये गुड वाइब्स का, ये रोज़ वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का। इसके साथ मैं स्क्रबिंग कर लेती हूँ, एक दिन पहले ही मैंने स्क्रबिंग की थी इसीलिए मैंने अभी स्क्रबिंग नहीं की। और कभी दिन में स्क्रबिंग कर लेती हूँ, कभी रात में कर लेती हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है उस टाइम मैं स्क्रब कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं एक फेस पैक कोई भी अप्लाई कर लेती हूँ, तो फेस पैक मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, DIY भी शेयर किए हैं, और वैसे भी मैं जो फेस पैक अप्लाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो कोई भी उसमें से फेस पैक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद भी आपको DIY फेस पैक देखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपका जो टोनर आपने अप्लाई किया है वो ड्राई हो जाने के बाद सीरम अप्लाई करना है। सीरम लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसी वजह से सीरम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रात को अगर आप सीरम लगा के सोते हो ना, आपकी स्किन को रात भर रिपेयर होने के लिए टाइम मिल जाता है, तो इसीलिए रात को सीरम लगा के ही सोना चाहिए। और जो भी सीरम आपके पास हो तो आप लगा के सो सकते हो। विटामिन सी के बहुत सारे फायदे होते हैं, विटामिन सी से आपके जो रिंकल्स है वो भी कम हो जाते हैं, आपके डार्क सर्कल है वो भी कम हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है तो उसको भी ये रिकवर करता है, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है आपके टैनिंग को भी ये हटाता है। इसलिए मैं विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ रात को, इसी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन से रिलेटेड। तो चलिए अभी ये अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद इससे थोड़ी देर मसाज करनी है और फिर आपको सो जाना है। बस इस तरह से अच्छे से मसाज करनी है आपको, आइस के राउंड भी मसाज करनी है ताकि आपके डार्क सर्कल भी इससे कम हो जाए
और फेस पर भी मसाज करने हैं। अगर आपके ओपन पोर्स है वो भी इससे कम हो जाएंगे, और आपकी अगर स्किन टैन हो गई है वो टैनिंग भी इससे हट जाएगी आपकी, और बहुत सारे प्रॉब्लम को ये दूर करता है। आपके अगर रिंकल्स है वो भी इससे कम हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा सीरम है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो आपको अच्छा लगेगा। बस इस तरह से मैं सीरम अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं टेंशन फ्री होके सो जाती हूँ। बस यही होता है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, सिंपल सा है। और इस तरह से मैं अपना स्किन केयर डेली करती हूँ। टचवुड मेरे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसी वजह से, तो ना तो पिंपल्स है आप देख सकते हो, और ना तो डार्क सर्कल है ज़्यादा। बीच बीच में थोड़ा सा लग रहा था मुझे, बट हो जाता है अगर नींद पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद डार्क सर्कल कम हो जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, वीडियो की वजह से बहुत बार लेट सोना होता है, फिर भी मुझे डार्क सर्कल नहीं होते हैं क्योंकि मेरा स्किन केयर बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। तो बस यही आप स्टेप फॉलो कीजिए और अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करिए। आई होप गाइज आपको ये मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, और जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।